सी उसकी फाइट वगैरह भी शायद से हुई, यहाँ पे फाइट वगैरह हुई है तो देख लो यहाँ पे। तो गैस मैं यहाँ पे आ गया था तो लीली भी मिल गई, लीस लेने के लिए आया था। तो गैस आज भैरव को जिस घर पे मैंने छोड़ा था सुबह के टाइम में, तो वो वहाँ से भगाया गया सीधे धूप में, और थोड़ी सी उसकी फाइट वगैरह भी शायद से हुई किसी डॉग से। अभी ठीक है, थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह स्प्रे वगैरह किया मैंने और सोना लाया दूर है, और एक वगैरह डाइट में थी दिखा के वो सोया। जो काम कर के लिए गया था डॉग के उसको, वो तो काम हो गया, बट वो वहाँ से भग पड़ा, उनके ऑनर थे नहीं गेट के नीचे से निकल के। तो वही अभी ठीक है भैरव फिलहाल, कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी जब वो आया था, तो धूप लग गया था और पैर उसका घिस गया था रोड पे दौड़ने की वजह से, इसी डॉग से फाइट करने की वजह से पैर में भी ब्लड आ रहे थे। उसकी दवाई वगैरह लगाई है, कान पे भी चोट उसके लग गए, दिखा दूंगा अभी। फिलहाल वो आराम कर रहा है तो वैसे यहाँ पे सोया है, उठ जा भाई। इसके आँख वगैरह पे भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पे फाइट वगैरह हुई है तो देख लो यहाँ पे, और कान पे भी लगाया। पैरों रास्ते ब्लड आ रहा था पैर से घिस घिस के, बट मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से सारे के सारे पैर, नहीं चोट नहीं बट ये नीचे से घिस गया था उस टाइम ब्लड आ रहा था, और यहाँ पे जो है आँख लग गई इसके, बट अभी ठीक है। पानी वगैरह भी है यहाँ पे, पी ले ना ना उठना, बैठ जा बैठ जा, बस पीछे वाले पैर पे देखो लग गई थी, उस वाले साइड की गाड़ी थोड़ी सी थी, बट अभी ठीक है। मुझसे डर रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं क्या करूँगा बाबू, चलो ठीक है आराम करो। तो वैसे अभी जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, और भैरव को घर नहीं ले जाएंगे इसके रजिस्टर आज, क्योंकि उसके पंजे वगैरह छीले पड़े हैं, तो जाने इसके लिए ठीक नहीं है। इसको बाहर निकल के बांधा है, दिखाता हूँ कैसा अब ठीक है ये। जब देखने में तो नॉर्मल लग रहा है, बट इसके चोटें वगैरह हैं, देखो गाइस यहाँ पे कान पे है, इस वाले कान पे थोड़ी सी ज़्यादा चोट है, इस नहीं नहीं इसी वाले पे गाइस, देखो टच भी नहीं कर दिया, तो इस वाले कान पे भी है। कल तो ब्लड रुक नहीं रहा था, कान का रुक गया आज। तो गाइस मैं यहाँ पे आ गया था तो लीली भी मिल गई, लीस लेने के लिए आया था, इससे मिल लेता हूँ, उसको सलाह वगैरह देता हूँ, ठीक है तू। गाइस अभी आ चुके हैं घूम के, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, भैरों को लेकर के पीछे में आ रहा होगा, ओए गायब हो गया, वहाँ पे टॉयलेट कर रहे हैं, आ जा जल्दी आ। तो गाइस अभी इसकी तबीयत सही है कुछ हद तक, और कान में इसके बस एक दांत लग गए हैं, वो उसको दवाई वगैरह लगा रहे हैं, पकने नहीं दिए, मतलब उससे कुछ होना, मैगट्स वगैरह कभी नहीं पड़ने देंगे, मतलब उस पर डिटॉल वगैरह एनी टाइम पड़ रहा है, डिटॉल वगैरह उससे एवलोन वगैरह उसको धुल रहे हैं हम लोग, और फिर उस पर लगा दे रहे हैं मेडिसिन वगैरह विटामिन वगैरह लगा के इसको फिट रख रहे हैं। तो वहाँ पर टॉयलेट कर रहे हैं, आ रहा हूँ पीछे टॉयलेट करके, तो वो फिट है अभी, और बॉडी पे कहीं भी चोट नहीं थी, बस कान के पास में थी एक, और मतलब पैर पे थी पीछे में, बस ये दो दांत थे, बाकी सब पंजे थे, तो अभी ठीक है वो सारे सारे। जल्दी आ आगे में कोई सीन वगैरह हो रहा है, किसी डॉग की फाइट वगैरह, इसीलिए मैंने इसको तुरंत बांध लिया भाई, फिर इसको फाइट में भेजना ही नहीं, मतलब कभी इसको ये जाएगा ही नहीं अभी, इसको घर में हमेशा रखेंगे। इस देखो यहाँ पे कान पे ऊपर एक दांत है, इस वाले कान में थोड़ी सी ज़्यादा सारी चोट लगी थी, और बाकी कहीं पे नहीं, एक पीछे में यहाँ पे एक दांत थी बस। कान तो जैसे लग रहा था गाइस पक जाएगा, पक जाएगा, बट अभी अभी भी कोई सिचुएशन ठीक नहीं है, क्या पता कान पक भी सकता है और नहीं पक सकता, बचा देंगे हम, पूरी कोशिश करेंगे, पकने नहीं देंगे गाइस। देख लो गाइस अभी डॉग देखा नहीं वहाँ पे उतना दूर, और शुरू हो गया गाइस एग्रेशन करना, मतलब वहाँ से खींचा, चल 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 चल, अब नहीं फाइट वगैरह, फालतू का मुझे इतना खर्चा पड़ जाएगा वैक्सीन वगैरह का। नहीं बेटा नहीं नहीं, वो देखो गाइस ये क्या यार, ये तो अपनी सीन करवाने आई है यार, नहीं बेटा नहीं, चलो कुछ भी नहीं करना उसको, फीमेल है, ओए ओए बेरो भाई, ये आ गया फिर लॉन्चर पे, वैसे जाए ना, और सीधा मतलब गले पे पकड़ने की कोशिश करता है भाई, आराम से नहीं बेरो वो, और उसने बार भाई क्या चाहती है, भूख रही है, उसको रोक लेता दो मिनट ऐसे, पूरे सीन कर रहा पक्का, वो भूख रही है, मतलब डर के भग जाएगी वो, बट खींच गाज दिया मुझको, मैं ही गिर जाऊँगा यार रोड पे, नहीं। तो गैस इस व्लॉग में क्लियर कर दिया मैंने कि भैरों को चोट कैसे लगी, क्या हुआ क्या नहीं सीन था। तो व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मैं क्या करूँगा पसंद क्या आएगा। तो मिलते हैं सीधा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।